नमस्कार दोस्तों, फूड स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी सब्जी, भरवां शिमला मिर्च। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 शिमला मिर्च, जो कि मीडियम साइज़ की हैं। ज़्यादा बड़ी हम शिमला मिर्च नहीं लेंगे, नहीं तो उनको फ्राई करने में हमें दिक्कत होगी। 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू और 2 प्याज, 2 हरी मिर्च। तो आइए सबसे पहले हम भरवां शिमला मिर्च के लिए अपनी स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। आज की स्टफिंग हम आलू की बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। आप भी एक बार इसको ज़रूर बना के देखें, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। सब्जी हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों के तेल में बनाई हुई सभी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा और सरसों डालेंगे। सरसों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक चुटकी हमने हींग डाल दिया है। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सभी सब्जियों में हमें ये डालना चाहिए। सभी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब हमने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, हम वो डाल देंगे। बहुत बारीक प्याज नहीं काटेंगे। आलू के साथ प्याज का मीठा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मिर्च को हमने काट लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। आलू को हम अपने हाथ से ही मोटा मोटा तोड़ लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। आलू को हमने पहले ही उबाल के रख लिया था। प्याज को लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज करने तक हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। प्याज हमारी भुन गई है, बस इतना ही हमें भूनना है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को बहुत बारीक नहीं तोड़ेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से तैयार करी हुई स्टफिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। कभी कभी हमें बदल के सब्जियां बनाते रहना चाहिए। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हमने धनिया डाला है। धनिया बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारे स्टफिंग को। आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिर्च नमक का सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो आप उसी के अनुसार डाल सकते हैं। हमने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, तो इसमें थोड़ा खट्टापन लाने के लिए हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर भी स्टफिंग को बहुत अच्छा टेस्ट देगी। बहुत ज़्यादा बड़े जो टुकड़े लग रहे हैं उनको हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है।
शिमला मिर्च को आप बना के 1 सप्ताह तक आराम से खा सकते हैं। आलू भरी हुई शिमला मिर्च खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम शिमला मिर्च को धो के अच्छे से पोंछ लेंगे। एक साफ़ कपड़े की सहायता से आप इनको अच्छे से पोंछ लें, क्योंकि हम इनको सैलो फ्राई करेंगे और अगर इन पे पानी रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा चटकेंगी। अब चाकू की सहायता से हल्के हाथ से हम इसके ऊपर से ये डंठल हटा देंगे। ये काम आप बहुत ही हल्के हाथ से करें, जिससे कि सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा ही कटे। इस तरह से अब हम जो इसके अंदर बीज हैं उनको निकाल देंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप इनको स्टफिंग में डाल सकते हैं, पर मैं इनको साइड में निकाल रही हूँ। सभी मिर्चों को हम इसी तरह से काट के रख लेंगे। बीज को हम झटका देंगे, देखिए इस तरह से, इससे कि इनमें बहुत अच्छे से बहुत सारी स्टफिंग भरी जा सकेगी। इनको अच्छे से भर के बनाने में ही मज़ा आता है और ये खाने में भी तभी अच्छी लगती है जब इनमें खूब सारी स्टफिंग हो। बारी बारी से सभी शिमला मिर्च को हम इसी तरह से काटते हुए रख लेंगे। देखिए हमने बीज अलग से निकाल लिए सारे, देखने में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और इनमें खूब सारा स्पेस हो गया है, तो हम अपनी मनपसंद खूब सारी इसमें डाल सकते हैं। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब 1 चम्मच की सहायता से हम इनमें जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो भर लेंगे। ध्यान रखिए कि स्टफिंग ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो हाथ जल सकता है। इसको अच्छे से चम्मच से दबाते हुए पूरा भर लेंगे हम इस तरह से। इनको दबा दबा के अच्छे से भर लें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हमने बहुत अच्छे से अपनी स्टफिंग भर ली है। इसमें सभी मिर्च में हम इसी तरह से स्टफिंग डाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है भरी हुई भी हमारी। सभी शिमला मिर्च हमने भर ली हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पास से इनको दबा दबा के चम्मच से हम अच्छे से भर लेंगे। अब हम इनको सेकेंगे, हम इनको सैलो फ्राई करेंगे, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सभी शिमला मिर्च को हमने भर के तैयार कर लिया है, तो आइए अब इनको फ्राई करेंगे। मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल में फ्राई हुई कोई भी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। ये इतने तेल में भी बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगी। अब हम इनको एक एक करके पैन में रख देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो बस पूछिए ही मत कि कितना अच्छा टेस्ट आता है इनका। हम इनको पलट पलट के चारों तरफ से फ्राई करेंगे।
फ्राई करके शिमला मिर्च खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी और घर में सभी इनको बड़े ही चाव से खाएंगे। एक चम्मच की सहायता से हम इनको चारों तरफ से पलट पलट के सेक लेंगे इस तरह से। अगर ये नहीं रुकती हैं तो आप इसको चम्मच की सहायता से रोक के रख सकती हैं। इस तरह से तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इनको पलट पलट के हम चारों तरफ से जब तक एक सुनहरा सा कलर नहीं आ जाएगा तब तक भूनेंगे। चारों तरफ से हमारी शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तेल में जो मसाला आ गया है उसको हम छलनी की सहायता से छान के इस तेल को दोबारा से सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगा और हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफ़ शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है। और ये इतनी टेस्टी बनी है कि इनको देख के ही बस दिल कर रहा है कि हम सारी खा लें। प्लीज़ आप भी एक बार इस तरह से शिमला मिर्च भर के ज़रूर बना के देखें। हमारी शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो प्लीज़ आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। टिफ़िन के लिए या सफ़र के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इनको पूरी, पराठे, चपाती, राइस जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती हैं और ये बहुत कम तेल में भी बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा तेल की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। नीचे तेल में जो मसाला आ गया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छान के अलग कर दें और इस तेल को आप किसी भी सब्ज़ी के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भरवा शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इन सभी को निकाल के रख लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है हमारी और कितनी अच्छी भी लग रही है। इन सभी को आप टिश्यू पेपर पर निकाल लें। वैसे तो इनमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगा है, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप टिश्यू पेपर से इनको साफ़ कर सकते हैं। हमारी सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी भरवा शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने अनुभव।